मेरी लाइफ की जर्नी क्या है कि वो एडवेंचर होने के साथ साथ बहुत हैपनिंग भी रही है। मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम करिश्मा हाड़ा है, मैं काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे, पर अभी जो मेरी नींव है वो है मेरी करणी कृपा फाउंडेशन, जिसकी फाउंडर हूँ मैं अभी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ की शुरुआत होती है, मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती है, पर्दा ये नहीं करना वो करना, और ऊपर से फिर अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड रहा हो तो इट्स टू टफ कि हाँ आप कैसे चीज़ों को आगे करोगे, कैसे बढ़ना है। मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं। अब जब शुरुआत हुई चीज़ों की तो मेरे दो ब्रदर्स हैं और मैं अकेली लड़की रही, तो शुरू से हमें समझाया जाता था, बाईसा देखो घरे बारे नहीं जानो, बाईसा यान रहनो, बाईसा ऐसे रहना, बाईसा वो सिर्फ बाईसा बन के रहना। तो मैं हमेशा जब छोटी थी तो मैं ये सोचा करती थी कि फिर मेरा अस्तित्व कहाँ है, क्या मैं बाईसा हूँ, और मैं बाईसा हूँ और तो और लोगों के लिए मैं कैसे आगे कुछ करूँगी फिर। तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को आगे करना स्टार्ट किया। फर्स्ट जो मेरा स्टार्टअप था वो ये था कि मैंने NCC ज्वाइन कर किया, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर रही NCC के अंदर, और मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड भी है, डिफेंस मिनिस्टर अवार्ड भी है मेरे पास में। उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उनके द्वारा दिया गया मेरे को मेरिट कम सर्टिफिकेट अवार्ड है मेरे पास में राजपथ परेड की। जब मैं उस समय ड्रिल किया करती थी तो मेरे साथ में ये था कि मैं अभी तो फिर भी थोड़ा मैं हष्टपुष्ट फैमिली से लगती हूँ उस समय मैं बहुत स्लिम और वैसी थी, तो जब परेड करती थी तो थोड़ा सा कैटवॉक लगता था, और वो भी राइफल ड्रिल, सवला में शस्त्र, बगल शस्त्र, अब ये बोलो और उठा के आप चलो, तो हंसते थे मुझ पे लोग, कहते थे ये तो डेलिकेट डार्लिंग है, ये क्या करेगी। अब इस चीज़ ने मेरे दिमाग में घुस गया, और मेरे मामोसा हुकुम जो थे वो आर्मी में थे उस समय, कर्नल थे, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे उस समय। तो मुझे हमेशा बोला करते थे कि बेटा घबराना नहीं, जो आपको क्या है, क्रिटिसिज्म ऑलवेज वर्क्स, क्रिटिसाइज अगर आपको कोई कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे पहुंचाना चाहता है। तो उन्होंने मेरे लिए वैशाली नगर में आर्मी एरिया कैंट है वहाँ पीछे की तरफ, वहाँ पे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं VS राणा करके, उनके यहाँ पे मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा राइफल ड्रिल। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, बिकॉज NCC का जो पड़ाव था वो नॉर्मल नहीं था, ATC CATC सारे पड़ाव पार करने पड़ते थे। तो सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठ के मैं, उस समय फादर साहब ने बोला कि मैं कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दूंगा, तुम्हारे संघर्ष का टाइम है, तुम खुद करो। तो खुद स्कूटी लेके 4 बजे मैं जाती थी वहाँ पे, राइफल ड्रिल करती थी, और फिर एक लेवल ऐसा आया कि उस परेड को कमांड मैंने किया राजपथ पे, और उसके बाद में सी सर्टिफिकेट A+ ग्रेडिंग के साथ में मैंने सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक के साथ में सर्टिफाइड रही मैं। उसके बाद नॉर्मल फैमिली का जैसे होता है, सब लोग बोले आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, फादर साहब बोलते थे या तो IPS बनना है या IAS बनना है, मामोसा, मतलब सबका अपना अपना क्राइटेरिया था। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वही अपने जहन में बसा लिया, मुझे लगा कि नहीं कैप्टन करिश्मा हाड़ा अब तो मेजर बनेगी, जनरल बनेगी, ये उस फील्ड में जाने लगी मैं। तो SSB तक मैं पहुँच गई। अब SSB का डायरेक्ट वेमेंस के लिए था, उसमें आपको रिटर्न ज़रूरी नहीं है। तो जब मैं SSB के लिए जाने वाली थी, 10 दिन पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हुआ, तो उससे मेरा बॉडी एक होने लगा, तो मुझे लगा ये तो फिजिकल मैं शायद क्लियर कर नहीं पाऊँगी, तो कैंसिल करवाना पड़ा। अब उससे मैं क्या स्लाइटली डिप्रेशन में आने लगी, तो उस समय मेरे फादर साहब और मेरे नानी साहुकुम वगैरह सभी लोगों ने बोला कि हो सकता है तेरे लिए कुछ और बेटर बनाओ, डेस्टिनी ने तेरे लिए कुछ और लिखा हो, तो कुछ और ट्राई कर। मैंने कहा सारा समय और सारा तो मैंने यहाँ दे दिया, सलाम शस्त्र बगल शस्त्र में, अब वापस डेलिकेट बनना बहुत मुश्किल है। अब मेरी मम्मा हमेशा, उनकी क्या फेवरेट मम्मा की रेखा हीरोइन थी, वो हमेशा मुझ में रेखा ही देखा करती थी वो कहती थी देख मैं बता देती हूँ तू ना रेखा बनेगी। मैंने अपने फादर साहब से एक कमिटमेंट किया था, वो मैं बीच में आपको स्टोरी में बताना चाहूँगी, कि इतिहास में मेरा नाम होगा या तो हाड़ी रानी हुई है या करिश्मा हाड़ा होगी, या अब इतिहास में नाम पन्नों में आना शुरू हो चुका है। रिसेंटली IASRS के एग्जाम्स के अंदर करिश्मा हाड़ा बनी राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन अभी ही आया है, तो इतिहास में नाम लिखना शुरू हो चुका है। अभी तो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
तो मैंने अपने फादर साहब को उसी समय जब बोला तो ये सब चीजें होने लगी। फिर मैंने कैबिन क्रू यानी एयर होस्टेस रही मैं 11 साल और इंटरनेशनल एयरलाइंस को मैंने अपना पूरी तरीके से सबमिशन दिया। स्पाइसजेट से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, स्पाइसजेट, फिर सिंगापुर एयरलाइंस, फिर ओमान इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड लास्ट इज एयर एशिया मलेशिया। मैं कुआलालंपुर रही 8 साल पर लास्ट पोस्टिंग मेरी आई बैंगलोर में। फिर फादर साहब और फैमिली ने कहा कि नहीं आपको ना थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और आपकी एज हो रही है शादी के लिए। शादी मुझे करनी नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शादी कर लूँगी तो जो मेरे सपने हैं वो उनको पंख नहीं मिल पाएंगे और कुछ भरोसा नहीं है। मैन इज ऑलवेज मैन, वो पता नहीं क्या सोचे, करने दे या ना दे। तो मैंने ये चीज़ सोची तो फादर साहब ने कहा नहीं आओ तो सही। तो बीच में फिर मैंने काफ़ी जगह जॉब सर्च की थी। हम तो फ्लाइट में मिल चुके हैं जगदीश सर से, हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो ये जानते हैं। उस संघर्ष के समय में इन्होंने देखा है मुझे, तो उस समय मैं सर्च कर रही थी। उसके बाद में मैं 5-स्टार प्रॉपर्टी की जनरल मैनेजर, कॉरपोरेट जनरल मैनेजर रही हूँ मैं भी, जिसमें से अनंता एक है। तो वो सब देखा मैंने वहाँ पे। जब मैं रणथंभौर में होटल में थी, वहाँ पे सौरभ भंडारी जी पधारे थे पत्रिका में, तो मैं क्या, मेरी आदत वो एनसीसी वाली रही थी, वेल डिसिप्लिन्ड और ये सब जो आप निर्भया में मैडम करती हैं, तो वो मैं अपने स्टाफ के साथ करती थी। तो डेली सिक्योरिटी गार्ड्स जो मेरे हुआ करते थे उनको ठंड के अंदर मैं पूरा, मैं क्या, दौड़ लगाओ, वार्म अप हो जाओ, गेस्ट को पता लगना चाहिए कोई है यहाँ पे। और मैं तो पूरा ट्रैक में मैं खुद दौड़ लगा रही थी, तो वहाँ पे मर्सिडीज और ऑडी आके रुकती है एकदम से। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कौन है ये मैडम, इनसे मिलवाओ। मैं जनरली ऐसे मिलती नहीं थी किसी से। तो नेक्स्ट मीटिंग हुई, वो लोग मेरे कैबिन में आए, कैबिन में आके और बोले कि ना मैडम हम देखना चाहते थे इस जंगल में शेरनी कौन है अकेली जो इन भेड़ियों को साथ में लेके घूम रही है। तो मैंने कहा सर ये जंगल में अकेली शेरनी तो सिर्फ करिश्मा आड़ा ही हो सकती है। तो बोले मैडम हम आपको जॉब ऑफर करते हैं बिकॉज हमें चाहिए आपके जैसे पैशनेट लोग। तो मैंने, मेरे अंदर एक ब्लड में ही है हमारे की ईमानदारी है, वो मैंने उनको भी यही कहा। मैंने कहा सर देखिए मैं ऑनेस्टी मेरे ब्लड में है, तो मैं अपन, मेरे जो ओनर हैं वो मुझे अपनी डॉटर की तरह रखते हैं, मुझे सब कुछ फैसिलिटी है। तो मैं अभी थोड़ा सा क्या शांत मैं जीवन जीना चाहती हूँ, रिमोट एरिया में हूँ तो मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, अभी कहीं नहीं जाना है मुझे। तो बोले नहीं आपको लगे तो आप बिल्कुल करना। मैंने कहा ठीक है। और किसी कारण वश फिर मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी, तो फिर मुझे जयपुर आना पड़ा। तो जयपुर आई मैं, जयपुर आके सौरभ भंडारी जी से वापस मिलना हुआ, कुछ समय उनके साथ काम किया। वहाँ काम करते करते दूरदर्शन वालों ने मुझे कैप्चर कर लिया, वहाँ से कुछ टाइम के लिए वो लोग ले गए मुझे। अब मुझे क्या मारवाड़ी बोलना बहुत पसंद, तो मैं वहाँ लीड करते हुए भी मैंने कहा नहीं सर चौपाल तो मैं ही करूँगी। तो बोले क्या क्यों, मैंने कहा क्योंकि मैंने मारवाड़ी बोल बो घनोचो को लगे, मैं तो बोलूँ ली अटे बैठ। तो बोले ठीक है चलो मारवाड़ी में आप ही लोग, फिर चौपाल करने लगी। इसके साथ साथ फिर चीज़ें ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे मिलना शुरू किया। लोग बोले कि जब आप इतना जज्बा है आप में तो आप ब्रांड एम्बेसडरशिप क्यों नहीं लेती हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी। वो जैसलमेर की राजमार्गा, उन्होंने अप्रोच किया मुझे, उन्होंने जैसलमेर से सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनवाया। उसके बाद में कहते हैं अपना समाज जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कई महासभाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी। और हमारे सरकारी जो योजना है किसान जागृति योजना, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ, ये भी राजस्थान की किसान योजना है एक। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो बीच में घर वालों ने कहा भैया शादी भी करनी है, तुम्हारे चक्कर में दोनों जो हमारे बच्चे उनकी कैसे होगी, हम तो एक अपनी लेगेसी लेके चल रहे हैं, वही राजपूताना कैसे होगा। मैंने कहा ठीक है तो आप थोड़ा सा वेट करो। इसके बीच में क्या हुआ कि जब मैं एमए कर रही थी साइकोलॉजी के अंदर, एमए साइकोलॉजी करते करते मैंने एक दिन नोटिस बोर्ड पे फ्रैंकफर्ट में जब मैं इंस्टीट्यूट में थी देखा कि मिस राजस्थान कॉन्टेस्ट हो रहा है लिखा। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि करिश्मा तुमको भी जाना चाहिए। मैंने कहा यार मैं चली तो जाऊँगी, पर मेरे फादर साहब ने रैंप वॉक करते हुए देख लिया तो फिर तो सब कैंसिल, बोले कल ही शादी करो। तो बोले कि नहीं तुम ट्राई करो और हो जाता है तो देख लेंगे। तो मैंने टुपके ट्राई किया, मैंने कहा ट्राई करते मैं फाइनल राउंड तक पहुंच गई। फाइनल राउंड तक पहुंची, मेरे फादर साहब की उस समय पोस्टिंग थी पाली मारवाड़, वो आए हुए थे वहाँ पे।
तो मैंने अपने फादर साहब को बुलाया, बुला के उनको शांति से मैंने इससे बड़े चाटा वाटा पड़े अपन दूर बैठ के पापा से पूछते हैं पूछा उनका पापा ऐसा है कि एक कंपटीशन हो रहा है मिस राजस्थान का, सब एथनिक ही पहनना है और ऐसा है कि उसमें मैंने फाइनल राउंड प्राप्त कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ आप और मम्मा और अपने फैमिली वाले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग आशीर्वाद देने के लिए मुझे वहाँ पहुँचे, क्या पता लकीली मैं जीत जाऊँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि मेरे नानी सा हुकुम ना बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही मेरे लिए, तो वो मैं उनसे पूछती थी, मैंने कहा मैं उनको मामा बोलती थी, मैंने कहा मामा मेरा जी अजीब सा हो रहा है, क्या पता मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, और नहीं जीती तो फिर पापा बोलेंगे कि तुमने अपना एनर्जी पढ़ाई का टाइम था तुमने वेस्ट क्यों किया। तो उनका बेटा तुम तो एक ही स्लोगन वहाँ बोलना जिससे तुम्हारी जीत निश्चित है, वो मैं बताना चाहूँगी मैंने क्या बोला। इसी तरीके से पापा हुकुम वगैरह सब विराजे थे, बिरला ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम था, तो मैंने बोला जननी जने तो ऐसो जन के राणा के सूर, जननी जने तो ऐसो जन के राणा के सूर, वरना रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। तो जब ये मैंने पोशाक पहनी हमारा कल्चर कैरी करते हुए, वहां सब जो और आई थी उन्होंने किसी ने साड़ी पहना था कुछ और पहना था, पर मैंने वह रिक्वेस्ट किया था कि मैं लास्ट राउंड में पोशाक पहनना चाहूंगी, अगर आप इसमें मुझे अवार्ड देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो ये मेरा कल्चर है मैं अपने रूट्स को नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने वो पहन के और जब दिया और जब लास्ट में मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मिस राजस्थान इज नाउ करिश्मा हड़ा, मतलब मैं अब ना तो अपने आंसू को रोक पाई, मुझे लगा मैं अपने पापा मम्मी के पहले पांव छूं या अपने आंसू रोकूं या अवार्ड लेने जाऊं। और कोइंसिडेंस की बात उसी दिन मैंने एमए टॉप भी किया था साइकोलॉजी में और वहां पे भी अवार्ड था मेरा, तो वहां अवार्ड लेने के लिए मैंने मेरे ब्रदर को बोला, मैंने कहा आप पधारो वहां पे अवार्ड लेने के लिए मैं यहां लूंगी क्योंकि मैंने यहां मेहनत की है वहां पे भी की है, बट वहां मैं अब एक जगह दो इंसान कैसे जाएगा। तो फिर वो वहां गए मैंने यहां से लिया, तो जब ये पड़ाव पार किया तो मेरे फादर साहब को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं इसमें कुछ अलग है। और वैसे एक अजीब बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा अजीब है इसमें, अजीब थोड़ा सा ये है कि जब मेरे फादर साहब के ज्योतिष को बहुत मानते थे उस समय, तो कुंडली दिखाने के लिए पहुंचे थे, कुंडली दिखाने के लिए पहुंचे तो पहले दोनों ब्रदर्स की दिखाई गई, तो उसके बाद में मेरा नंबर आया, तो फादर साहब को बोला कि इनको कल लेके आना भाई साहब को। तो मुझे लगा यार कोई टेंशन वाली बात होगी, टेंशन वाली बात है पापा ऐसे ऐसे तो बोलते नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब मैं गई तो वो जो जिन्होंने कुंडली देखी थी उन्होंने मेरी दोनों ऐसे शोल्डर्स को पकड़ के बोला कि आप शक्ति हो, मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता था। मैंने कहा भैया कोई आत्मा तो नहीं आई शरीर में, तो बोले नहीं एक्चुअली मैंने आपके फादर साहब को ये बोला था कि भाई इनकी जो कुंडली है वो इंदिरा गांधी से मैच करती है, तो ये जो है ये आगे इनका रास्ता कुछ और ही होता जाएगा। तो मुझे ये लगा कि भाई क्या हुआ, तो जब धीरे धीरे वो जर्नी होने लगी ना तो मेरे फादर साहब को वो बातें रिपीट होने लगी। अभी कुछ दिन पहले जब ये ब्रांड एम्बेसडर वाली बात हुई तो मेरे फादर साहब ने बोला कि देखो ये चीज़ तो बोली गई थी, मैंने कहा देखो अब आपको याद आ रहा है ना। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जब मैं क्रू लाइफ में भी थी, एडवेंचर कम नहीं हुए, ट्रेनिंग लेके मैं पहुंची एक हफ्ते के अंदर ही हार्ट पेशेंट आ गया और इमरजेंसी लैंडिंग मैंने करवाई थी लाहौर के अंदर। जो पर्सन था वो काफ़ी हेल्दी था, एम्ब्यू मास्क के थ्रू उनको मेडिसिन वगैरह देके और उनको जिंदा रखा गया, और फिर उनके उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ की गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट मिला, प्लस मुझे मलेशियन गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट मिला क्योंकि मैंने वहाँ के निवासी की जान बचाई थी। इसी तरीके से चीज़ें जब होती गई तो मैंने कहा एडवेंचर तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं मेरी लाइफ में, ये ख़त्म नहीं हुआ। 15 दिन बाद ऑन बोर्ड मैंने डिलीवरी भी कराई एक फीमेल की, जबकि लिखा होता है कि भाई 7 वीक्स तक नहीं जा सकते आप, अब क्या पता फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं, अब लेके पहुंच गए होंगे, अब ये और नई चीज आ गई। मैंने कहा ये लोग तो मेरी नौकरी लेके रहेंगे, अब कहीं ना कहीं नौकरी जाएगी अब मेरी। तो ये सब जो चीजें होती रही ना, इनसे मैंने एक ही चीज सीखी, जो मेरे ट्रेनर हमेशा एक चीज याद रखना कि गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हम खड़े तो हुए, हमने किया तो सही, और जो खड़े ही नहीं वो क्या सीखेंगे। तो मैंने उन्हीं सब चीज़ों से आगे सीखा और जब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ने लगी, शादी की बारी हुई, तो फिर ऐसे ही सभा के अंदर बोलते बोलते एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, वो व्यक्ति को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई,
उनको मैं पसंद आई, तो उन्होंने शादी के लिए अप्रोच किया, शादी के लिए अप्रोच किया, तो हम दोनों की ट्यूनिंग मुझे मैच करती हुई लगी। मैंने उनके सामने भी यही चीज़ रखी कि मुझे आगे बढ़ना है। प्लस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे समाज सेवा करनी, क्योंकि जब भी मैं बुजुर्गों को देखती थी ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम लगती थी कि सबके लिए सब कुछ कोई कर रहा है, कोई बच्चों के लिए कर रहा है, कोई महिलाओं के लिए कर रहा है, पर मेरे को वृद्धों के लिए भी करना है, प्लस महिलाओं के लिए भी करना है, कुछ ऐसा करना है। दिमाग में एक चीज़ बिठा ली। उसी दौरान मिलते मिलते मेरी शादी हुई, शादी के बाद में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम दोनों मिलके करेंगे और मैं आपके साथ सपोर्ट में हूँ, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ठीक है, उस चीज़ को मैंने आगे कंटिन्यू किया। फिर जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा दल, इसी तरीके से 16 संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ भी राइट नाउ। और मेरा जो स्केड्यूल है, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और सोने का मुझे नहीं पता होता कि मैं कब सोऊंगी, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में मेरी फाउंडेशन के थ्रू सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर, मास्क, भोजन, मतलब जिसका कोई गणना नहीं है, इतने ज़्यादा हम लोगों ने सप्लाई करवाए। और मेरी करनी कृपा फाउंडेशन की टीम सिर्फ जयपुर में ही नहीं, देश के हर कोने कोने में रखी है मैंने, ताकि कहीं पे भी किसी को ज़रूरत हो हमारी टीम वहाँ खड़ी रहे। अच्छा, बीच में मैंने इसी सिलसिले में एक मिशन भी शुरू किया था, मिशन भी कह सकते हैं, या फिर लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या निकल नहीं पाते, सहन कर लेते हैं घर में। महिलाओं के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि वो सहन कर जाती है। तो हमने क्या है कि आपके पुलिस के साथ में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने सुनील दत्त साहब के साथ में सिग्नेचर करवाया, और प्रोग्राम ये था फेस टू फेस कन्वर्जेशन। इसमें था कि पुलिस प्रशासन और आम जन तीनों आमने सामने बैठेंगे, तीनों आमने सामने बैठ के, और जो एक आम जनता की प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो जब हमने शाहपुरा में इवेंट किया, पहले 150 महिलाएं थी, धीरे धीरे करके वहाँ 400 लोग इकट्ठे हो गए, और आप मानेंगे नहीं, वो महिलाएं जो घूंघट के अलावा बात नहीं कर सकती, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ बैठे बैठे प्रशासन के सामने कर दिए कि प्रशासन को बोलना पड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए बोलना पड़ा, और वहीं के वहीं कम से कम हम 20 केस सॉर्ट करके ऑन द स्पॉट आए, और वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन काफ़ी चला और आज भी चल रहा है, हम इसी चीज़ को आगे भी बढ़ाते हैं। तो मेरी फाउंडेशन का जो टैगलाइन है वो एक ही है, जो मेरा है, कि सेवा ही जीवन का आधार है। मैंने एक ही चीज़ सीखी, लोग मुझसे पूछते हैं यार आप इतना हवा में जाके नीचे क्यों आए, क्योंकि क्या है कि जो इंसान जड़ों में रहेगा ना वो हमेशा बच के रहेगा, और जो उड़ेगा वो गिरेगा ज़रूर, तो इसलिए मुझे गिरना नहीं था। मैं सिर्फ सेवा में ही अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। अभी हमारी फाउंडेशन के थ्रू एक वृद्धाश्रम भी बन रहा है सीकर रोड पे, जिसका इनॉग्रेशन मैं दिवाली तक कर दूंगी। एक वृद्धाश्रम यहाँ कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा दूसरी जगह भी हम करने वाले हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इसकी चेन मैं आगे बढ़ाऊंगी। सिचुएशंस तो आपको सिखाएंगी करेगी, पर जो मैंने सीखा है मैं एक ही बात बताऊंगी, प्रॉब्लम्स पे नहीं, आप सॉल्यूशन पे सोचिए। जितना आप सॉल्यूशन पे सोचेंगे ना, प्रॉब्लम अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि हम क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर पाते। मैंने हमेशा चीज़ों को लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वो जो सोच आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको वापस वही देगी, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही, बट उसके लिए आपको स्वयं पे विश्वास होना ज़रूरी है। ना तो कोई और घोट के बुलाएगा, ना कोई और, वो चीज़ हमारी लड़ाई है, हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं ना कि आप अपने बारे में बताइए, ऐसा लगता है यार हमने तो कम से कम 30-40 साल अपने जीवन में संघर्ष किया, और यहाँ 1 घंटे में खड़े होकर सब कुछ खत्म करके बता दो। जब इंसान अपनी लाइफ के रियल लाइफ से रियल लाइफ के फ्लो में जाता है ना, तो वो रोक नहीं पाता अपने आप को, वो सारे मोमेंट्स आंखों के सामने ऐसे घूमने लग जाते हैं कि यार अभी ये घटा, अभी ये घटा। हम लोग बता तो देते हैं, क्योंकि सबका संघर्ष मेरे लिए तो रिस्पेक्टेड है, और मैं उसी रिस्पेक्ट के साथ में अब ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, बट हाँ, आप लोग मुझसे जुड़े और मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मेरी फाउंडेशन आप सबके लिए हाजिर है। आपको जो भी परेशानी हो प्लीज़ फरमाइएगा। कोरोना के अंदर जो हमने काम किया है वो आपको वो भी देखने को मिलेगा, मतलब आप ये मानेंगे नहीं, जहाँ बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, 400-400 बेड्स की मैंने व्यवस्था की यहाँ पे बैठ के जालोर पे। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था वहाँ पे, जो गेस्ट उनके साथ आए थे पेशेंट के साथ में, वो बेचारे 2-2 दिन से भूखे थे। मेरे पास फोन आ रहा था, मैंने वहाँ फूड प्रोवाइड करवाया यहाँ बैठ के। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। मेरी एक चीज़ और होती है, जब भी कोई मुझे बोलता है ना फेसबुक पे, इंस्टा पे, मैं ये बोलती हूँ
आप सब लोगों का साथ स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। मुझे जिला तो नहीं ना आपने। थैंक यू सो मच।